वर्तमान रबी सीजन में किसानों ने तिलहनी फसलों की जमकर बुआई की है। पिछले साल के मुकाबले तिलहन का रकबा 17 लाख हेक्टेयर से अधिक बढ़ा है। तिलहन में किसानों ने सबसे अधिक राई और सरसों की फसल की बुआई की है। वहीं गेहूं के रकबे में पिछले साल के मुकाबले करीब 6 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की कमी आई है। कृषि मंत्रालय की तरफ से जारी हुए आंकड़ों से पता चला है कि तिलहन को छोड़कर अन्य सभी फसलों की बुआई क्षेत्र में कमी दर्ज हुई है। शुक्रवार को कृषि मंत्रालय के फसल विभाग की तरफ से जारी हुए आंकड़ों के मुताबिक 7 जनवरी 2022 तक 98.85 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में तिलहनी फसलों की बुआई हुई। समान अवधि में पिछले साल ये आंकड़ा 81.66 लाख हेक्टेयर था। इस तरह वर्तमान रबी सीजन में तिलहन का रकबा 17.19 लाख हेक्टेयर बढ़ा है। फसल विभाग से जारी हुए आंकड़ों के अनुसार 98.85 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिर्फ सरसों और राई का रकबा ही 89.71 लाख हेक्टेयर है। इसके बाद मूंगफली का रकबा 3.99 लाख हेक्टेयर, सूरजमुखी का रकबा 1.05 लाख हेक्टेयर सहित अन्य तिलहनी फसलों का नंबर है। सरसों के क्षेत्र में राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, तेलंगाना, कर्नाटक, पंजाब, असम, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बढ़ोतरी हुई है। वहीं झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, आंध्र प्रदेश, बिहार और मणिपुर से बुआई के कम आंकड़े सामने आए हैं। ये रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी। सर्दियों में जब लगे वार्डरोब को अपडेट है करना, तब बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्सप्लोर है करना। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।